वेलकम गाइस, ITL पर वीडियो में सैमसंग का फ़ोन, इसको हम हार्ड रीसेट मार रहे हैं। आपको वॉल्यूम अप डाउन और पावर की तीनों बटन साथ में दबाने हैं। वॉल्यूम अप डाउन और पावर। जैसे रीस्टार्ट होगा आपको पावर की से हाथ हटा लेनी है और डाउन की से, और अप बटन प्रेस करके रखना है। तो ये ऑन नहीं हुआ, तो हमें जो है डाटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम डाटा केबल लगा लेते हैं इसमें। अब हम वॉल्यूम अप डाउन और पावर की दबाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, ये स्विच ऑफ हो जाएगा। ये स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। अब स्विच ऑफ होने के बाद आपको पावर प्लस वॉल्यूम अप बटन प्रेस करना है। फिर से ऑन हो गया, फिर से हम ट्राई करेंगे तो ये दिक्कत आ जाती है इसके अंदर। जल्दी से जो है ये रीसेट होता नहीं है। ये आ गया। अब इसको डाटा केबल लगा रहने देना। अब हम पावर प्लस वॉल्यूम अप बटन प्रेस करते हैं। रीडिंग कर रहा हूँ, पावर और वॉल्यूम अप, पावर और वॉल्यूम अप बटन। फिर से दिक्कत आ गई, ऑन हो गया था, हैंड वाइब्रेट हो गया था, तो पता चल गया था कि विंडो पे जा रहा है। फिर से दबा, अब जो है दोनों बटन प्रेस करके रखेंगे। ये डाटा केबल जो है आपको कंप्यूटर से लगानी पड़ेगी। मैं अभी कंप्यूटर से लगाता हूँ, तब जाके ये रीसेट वाला ऑप्शन आएगा। ये हमने कंप्यूटर से लगा लिया, ठीक है। अब हम इसे फिर से वॉल्यूम अप डाउन बटन प्रेस करेंगे। ये आ गया, कंप्यूटर से लगाने के बाद जो है ये ऑप्शन आ गया हमारा। अब हम नीचे आएंगे डाउन की से, यहाँ पे फैक्ट्री डाटा रीसेट का ऑप्शन होगा, आपको इस पर टच करना है। फिर नीचे आएंगे, फिर ओके, और ये जो है हमारा हो गया है। अब हम इसे रिबूट कर देंगे।
भाई इतना टाइम लगा हो गया, चालू हो रहा बस। चालू हो रहा हो गया, चालू हो रहा मतलब खुल रहा है, अभी स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर। ठीक है, इस वीडियो अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना था, जरूर चैनल।